अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं सबा के मेहमान। जी हाँ, तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए जिसके मिलने के लिए बड़े बेचैन है। आजकल के हालात जो है वो तो बहुत ही मायने रखते हैं इनसे बात करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किराए दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इन पे बात करनी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, इसमें हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं ये क्या कर सकते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। और फिर ये भी जानना ज़रूरी है कि इनकी हुकूमत इतने साल राज करती रही पाकिस्तान के ऊपर हमारे, अब आप समझ ही गए होंगे किनकी मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे और हम जानेंगे पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और इत्तेफाक ये है कि पीपल्स पार्टी के जब मैं मिनिस्टर्स की बात करती हूँ और जब बात करती हूँ तो मैंने ये ज़रूर देखा है कि बड़ी इनकी जो लाइफ है ना वो पीपल्स पार्टी से ऐसे जुड़ी हुई होती है, सब चिपक के रह जाते हैं। लेकिन ये सब जो राज हैं ये जानने के लिए मुझे उनके घर जाना पड़ेगा, उनके साथ मिलना पड़ेगा और मैं आज लेट हो गई हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे उनसे माजरत करनी पड़ेगी बिकॉज मेरी वजह से आज उनका जिम जो था वो उन्होंने तो किया पर हमने मिस किया आपको दिखाने के लिए। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उनसे, आइए। सर आज आपने जिम कर लिया, वो हमने मिस कर दिया। चलें, जिम करते हैं ऐसे या नहीं? नहीं, करते ही नहीं, नहीं देखें, मुझे पहले ही पता था जिम शिम वाले, क्यों टाइम ही नहीं मिलता। आप कहते वैसे रात दिन इतना जिम हो रहा होता है हमारे, तो फैमिलीज में जिम हो रहा है तो जिम जो है ना वो जैम हो जाता है हमारा, इस वजह से वो होता नहीं है। लेकिन सर मैं वैसे पूछना चाहती हूँ कि क्या रोज की रूटीन ये है कि उठे और एक पंचायत जो है वो होगी, पहले यहाँ के मसले हल होंगे, उसके बाद वहाँ के मसले हल होंगे और उसके बाद वो जो कहते फिर रहे हैं कि हमें क्यों निकाला भाई, उनके मसले हल होंगे। ये कमोबेश आपको हर जगह पे ना, जो भी पॉलिटिक्स में है या इस तरह का काम कर, हर जगह भी यही है, 24/7 होता है कि सुबह को गांव हो या जहां भी आदमी हो, ऑफिस से अलावा भी सब लोग आ जाते हैं काम वगैरह के लिए, और ये अल्लाह की बड़ी नेमत होती है किसी के पास कोई आता है काम की। सही बात है। लेकिन ये हर जगह आपको मिलेगा, ये सिर्फ यहाँ नहीं, एवरीवेयर जो भी इस फील्ड में है उसके पास इस तरह लोग आते हैं। फैमिली के क्या तकाजे होते हैं कि फैमिली ने कभी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं इसी बात और ना? इसी बात पे, क्योंकि टाइम जो है ना वो नहीं। मैं एमपीए था जी, तो सलीम भाई भी एमपीए थे उसमें सखर से, एमक्यूएम के यूज़ पे। अच्छा, और अब दोबारा जब मैं अब एमपीए बनाऊं, ये फिर बन गए 2013 में, फिर बन गए वही, वो इंसिडेंट है कि ये फिर हो गया, तो हम दोनों साथ साथ ही असेंबली में आते हैं। सही, तो ये सर, तो ये जो इस वक्त लोग हैं ये आपके इलाके से यहाँ आए हैं या यहाँ के लोग हैं? नहीं, मुख्तलिफ इलाकों से हैं, कुछ अपने इलाके से हैं, ये मोर मीरानी साहब वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, इनके साथ जो बैठे हैं वो भी, लेकिन ये दोस्त यहाँ के हैं। सर हमारे सीएम साहब भी माशाल्लाह काफी एक्टिव और काफी ज्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त देखा जाए। भी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, जहाँ भी गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की वो डिलीवर करे। सही। और बल्कि ना सिर्फ चेयरमैन साहब बल्कि हमारी जो बहनें हैं बख्तावर बीबी और आसवा बीबी दी फरियाल को चेयरमैन हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी, और खासतौर पर मिनिस्टर्स या जो लोग काम कर रहे हैं उनके वो व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत वो है, बिल्कुल बहुत एक्टिव है, उनके पास जो भी कहीं से शिकायत आती है कि यहाँ कचरा हो गया, पानी नहीं है, कोई एक्सीडेंट है या किसी भी डिपार्टमेंट की, तो फौरी उसके पास वो आ जाता है कि भाई इसको सॉल्व। सर आपने काम किया इस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी आप रहे अपने इलाके में, आपने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी आप रहे, नाजिम रहा, नाजिम मैं दोनों टेन्योर था ना। आपको क्या फर्क महसूस हुआ? देखें, डिक्टेटर्स ने कायदे आजम रहमतुल्लाह के बाद आपने देखा, या हमारे लियाकत अली खान साहब जब शहीद हुए उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह से सारी चीज़ों को चलाया गया, और एक बहुत बड़ा रहा मार्शल लॉ का दौर जिसका एंड क्या हुआ, हमने अपना एक आधा मुल्क जो है वो खो दिया, ज्यादा हिस्सा
खो दिया। बिल्कुल। उसके बाद जनरल जिया का आपने देखा कि उसके बाद ये दहशतगर्दी हीरोइन कलाशनकोफ कल्चर आया और बहुत सी खराफात यहाँ पे आई। फिर मुशर्रफ साहब मॉडरेट थे, बड़ा काम भी हुआ उनके ज़माने में, लेकिन ये जो 9/11 वाला इशू था वो अकेले सर उन्होंने उस पर फैसला लिया। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा टेबल पे बैठती हैं, जी हाँ, कोई भी हो, वो फिर मशावरत होती है। अभी उस दिन सिराज जो लख साहब जो हैं जमायत इस्लामी के, उस दिन आए थे हमारे एनडी खान साहब ने उनके लिए शाया दिया था, खुर्शीद शाह साहब भी थे, निसार खोड़ो साहब भी थे, तो वहाँ पे भी ये बात हुई कि जब भुट्टो साहब जा रहे थे स्टेप लेने इस पे मुख्तलिफ इशूज पे, तो वो सबसे मुशावरत करते जितने भले उनकी पार्टी से अलावा भी। किसी ने बताया कि वो जब बाहर जाना था अचानक उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा मौदूदी साहब से मिलूंगा जाके, तो किसी ने उन्हें कहा कि जी मे बी मौदूदी साहब आपसे ना मिले, उन्होंने बोला नहीं मिलते उनकी मर्जी, उनकी मर्जी, मैं जाऊंगा ताकि मैं मशावरत करने आया हूँ। अगर वो नहीं मिलेंगे तो जाहिर है पॉलिटिकली तौर पर हम कहेंगे कि भाई वो नहीं मिले, लेकिन हुआ ये कि जब वो मौदूदी साहब के यहाँ गए तो वो नंगे पांव उन्हें रिसीव करने आए। देखिए हम लोग खुद से ही फैसले और कर फिर उन्होंने जब उनको कहा उन्होंने कहा अल्लाह आपको कामयाब करे, और हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो भी हैं हमारी आपस में जो पॉलिटिकली राइवलरी अपनी जगह पे, लेकिन आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसका हम सपोर्ट करते हैं कि वो मुल्क के मफाद। बिल्कुल। तो ये इस तरह के और भी बहुत फैसले, अगर ये सारी चीजें मुशावरत से हों टेबल पे हों तो बेहतर होती है, लेकिन क्या हमारे पास वो दौर नहीं गुजरे। ये हमारे वाहिद माइनॉरिटी के एमपी हैं जो इलेक्टेड हैं। देखे बल्कि मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैसा लगता है कि मतलब elected? लोग नॉर्मली पाकिस्तान को देखते कहते हैं कि यहाँ तो माइनॉरिटीज में अगर कोई है तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल गलत है, जिसने भी ये कंसेप्ट पैदा किया है मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत किया है। पहले तो मुझे फख्र है मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक बड़ी पार्टी है, तो इस पार्टी में कोई रंग नस्ल मज़हब का कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरक नहीं है, और हमने कभी फीलिंग ही नहीं महसूस की है कि हम मतलब नॉन मुस्लिम हैं। उसका मैं थरपारकर से जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ा था तो ज़्यादा वोट जो है मुझे ना मुस्लिम्स के मिले हैं तो मतलब वहाँ तफरक नहीं है। और अभी अगर हम देखें तो दिवाली पे चेयरमैन साहब खुद गए थे शिव जी की, उन्होंने वहाँ पूजा भी की, और उस पर मैंने देखा कि इंडियन न्यू चैनल्स ने काफ़ी सारी न्यूज़ जो और बड़े गुड विल में उन्होंने इसको बनाया, तो इट्स वेरी गुड थिंग कि अगर हम लोगों को और चीज़ों को साथ लेके चले, चाहे वो क्रिश्चियंस हमारे भाई हो चाहे वो हमें, क्योंकि ये एक्चुअली मैं हमेशा ये कहती हूँ ये पाकिस्तानी, वी आर पाकिस्तानी। आपको पता है मेरे पास कोई अच्छी खासी अजरक जमा होंगी है, लेकिन कोई ये ना समझे कि इसके बाद मैंने स्टॉल लगाना है, वो सब मेरे पास यादगार है, बहुत सारे लोगों की मोहब्बतें उसके अंदर, बहुत सारे लोगों की वो इज्जत है जो उन लोगों ने मुझे दी है, तो वो सब मैंने अपने पास संभाल के रखी है, तो वो जनाब मैं बिल्कुल स्टॉल नहीं लगाने वाली। सर मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रांसपोर्ट है इस ये एक माफिया है क्या पूरा, इसको कैसे हैंडल करते हैं? ट्रांसपोर्ट माफिया तो आप नहीं कह सकते उनको, लेकिन असल इशू ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब उस पर काम हो रहा है। अच्छा। और जो अगर आप कराची को सिर्फ ले लें, सही, तो वहाँ पे पूरा मास ट्रांसिट का एक सर्वे हुआ, जायका ने करवाया, और फिर उस पर अभी काम हुआ है जिसपे दो लाइंस पे काम शुरू है और बाकी लाइंस पे जो है अभी काम शुरू हुआ है, जिसमें एक ग्रीन लाइन है जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है, फिर हमारी एक ऑरेंज लाइन है जिसका चेयरमैन साहब ने कहा कि उसका नाम चेंज करके ईदी साहब के नाम पे रखें। अच्छा। तो आपने ऑरेंज लाइन वैसे एक लाहौर में बन दी, इधर उधर वैसे भी उन्होंने उसको क्योंकि वो बड़ी शख्सियत है, सितारे ईदी साहब, तो वो उनके नाम पे उन्होंने रखा। उन दो पे तो बहुत काम हो रहा है, दीगर हमारी लाइन है येलो ब्लू रेड ब्राउन और इस तरह की, और ये पूरे कराची को कैटर करती है। तो ये क्या होगा, इनका क्या सिलसिला होगा सर? ये BRTs इन पर चलेंगी जो बड़ी बसेस होती हैं और वो उनपे और उनमें सारी सहूलियात होती है, मतलब फुली एसी वैसी सारी चीजें एवरीथिंग, और वो एलिवेटेड बोस्ट कई जगहों पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा रश है और नहीं बना सकते, अदरवाइज फिर वो एट ग्रेड भी है। अच्छा। वो बड़ा एक जामे प्रोग्राम है वो,
मुकम्मल तौर पर, और कराची से कोई भी अगर कहीं जाना चाहे तो वो उस पे एक ही टिकट या एक कार्ड पे वो जा सकता है। ये कराची से कराची की हद तक है या कराची की हदूद से बाहर भी, यानी कि हैदराबाद हो गया या अभी इतना बड़ा प्लान है सिर्फ कराची में वो BRTs जिन पे काम हो रहा है। इसी तरह KCR भी है, कराची सर्कुलर रेलवे, उसका रिवाइवल है जो CPAC में अभी शामिल है और फर्स्ट उस पे है प्रायोरिटी पे। और इसके अलावा हम लोग सिंध गवर्नमेंट खासतौर पर चेयरमैन साहब की हिदायत पर हम लोग यहाँ पे सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं कराची में भी और पूरे सिंध में। वो क्या करेगी? वो बसेस होंगी जो, लेकिन वो अभी फौरी आ जाएंगी। बाकी ये जो पूरा हमारा मास ट्रांजिट का है इसमें उसमें टाइम लगेगा और, लेकिन अभी बसेस जो है वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि फौरी आ जाए। वो इकोनॉमिकल होंगे सर, क्योंकि हम तो देखते हैं जब जैसे पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हैं किराए ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं और वो अब नॉर्मल लोगों की ना हैसियत से कहीं बाहर हो जाते हैं। सही कह रही हैं आप, लेकिन यहाँ पे ये है कि किराए बहुत कम है। अच्छा। और उनको रखा गया है मॉनिटर, यही हमारा डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है। बल्कि कोई एक साल पहले ही किरायों में रद्दोबदल हुई और वो कम हुए, किराए बढ़े नहीं, जो नए किराए आए वो कम हुए बढ़ने की बजाय। पेपर पे जरूर कम होते हैं, बिल्कुल ये वाली बात है। हमारे यहाँ फ्रूट और वो सब के रेट्स आ जाते हैं लेकिन जब तक छापा नहीं पड़ता वो फ्रूट वाले ने पैसे नहीं कम करने होते। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सर, जब ऑरेंज लाइन शुरू करने का सवाल पैदा हुआ लाहौर के अंदर तो बहुत सारे घरों को मिसमार किया गया, बहुत सारे घरों को बेघर किया गया लोगों को, और उन लोगों ने बड़े एहतजाज भी किया जिनसे बड़े वादे किए गए और आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला। तो यकीनन जब हमारे कराची शहर में भी ऐसी ही चीज़ें शुरू होंगी तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो नालों के नीचे भी घर बने हुए लोगों के, और वो आपने देखे हैं, वो हमारी मतलब नज़र से छुपे हुए नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हम हमारी जो गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट उन्हें क्या प्रोवाइड करेगी, क्या उनके लिए कोई ऐसी जगह बनेंगी कि वो अपने घरों से निकल के कहीं और महफूज हो सके? देखिए मैं आपको एक बताऊँ, कुछ लोग होते हैं इंक्रोचमेंट भी होती हैं, दीगर भी होती हैं, कहीं पे हालात के लिहाज से कुछ बहुत पुराने लोग भी बैठे हुए हैं। सपोज़ KCR है, कराची सर्कुलर रेलवे, तो वहाँ पे सर्वे के मुताबिक जो कई साल पहले 4,600 और कुछ हाउस होल्ड थे उनको तो हम ज़रूर कैटर करेंगे और उनको मुतबादल देंगे या मुआवजा मिलेगा। फिर दीगर लोगों ने क्या किया कि वो जो एक ट्रैक बना हुआ था KCR का, उसके ऊपर भी आपको कई दुकानें नजर आएंगी। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा जो लोग जानबूझकर कब्जा करते हैं और इस तरह की बात करते हैं। अदरवाइज जो डिस्टर्ब होंगे इस लिहाज से कि वो वहाँ के असल मकीन थे, अब वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई है और उनको वहाँ से हमने किसी और जगह मुंतकिल करना है, उनको तो जरूर मुआवजा भी मिलेगा। हाँ। या उनको अकोमोडेशन दीजिए मिलेगा। फिर वो बोरी बंद लाशें भी हादसा था, हादसा था, ड्रिल वाली जो लाशें मिलती थी वो भी हादसा था, जो पत्थर लिया जाता था यहाँ पे वो भी हादसा है। सर ने अभी आपने निकलना है, ब्लावल हाउस जाना है, फिर आपने CM हाउस पहुंचना है, तो वहाँ हमारे को हमारा भी 15-15 मिनट का काम है सर, जल्दी से एक सवाल पूछो अगर इजाजत हो तो। अगर हम जब लाहौर या इस्लामाबाद या कहीं भी ऐसा कुछ धरना टाइप किया था, धरना आजकल तो हम एक और नई राह पे चल पड़े, धरना राह, जो धरने में जो चीजें अगर देखते हैं हम नुकसानात, तो वो सबसे ज्यादा हमारी ट्रांसपोर्ट का होता है, हमारे लोगों का होता है, लोगों की गाड़ियां जला दी जाती हैं, लोगों की बसें जला दी जाती हैं, रक्शे जला दिए जाते हैं, वो चाहे किसी ने किराए पे लिए हों चाहे किसी ने ठेके पे लिए हों। उसके बाद अब जब हम कराची में चीज़ें देखते हैं तो ये चीज़ें हमने हड़तालों में बहुत देखी हैं, जो कि अब शुक्र खुदा का कि बहुत कम हुए, इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी आप लोग प्लान कर रहे हैं? अव्वल तो आप एहतजाज आपका हक है, बिल्कुल आप उसको रिकॉर्ड कराएं, एक तरीक़ेकार होता है, पूरी दुनिया में होता है। आप देखें बाहर, यहाँ पे तो हमारे यहाँ मिलियन मार्च जो है सिर्फ नाम में होते हैं ना कि जी मिलियन मार्च, बाहर की दुनिया में हकीकतन मिलियन मार्च होते हैं, और किस कदर पुरसुकून तरीके से बस वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं, वो एक हो गया बस बात हो गई। अब तो देखें आगे क्या क्या होता था काफी अरसा पहले कि कोई
कोई भी एहतजाज कर ले कुछ भी, इतना रिपोर्ट नहीं होता। बिल्कुल। अभी तो खैर से आप लोगों की मीडिया की वजह से फौरी खबर एकदम जो है वो आ जाती है, वो रिकॉर्ड हो गया। तो आप एहतजाज जो है अपना रिकॉर्ड कराएं, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है जनाब, लेकिन यहाँ मैं बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी क्योंकि इन्होंने आगे मूव करना है और ऑफ कोर्स काम इम्पोर्टेंट है और मुल्क के लिए जो काम हो उसमें तो हमें वैसे भी राह में रुकावट बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। सर चलते हैं, निकलते हैं आपके साथ साथ। ये जो शिकार का आपको शौक इंतहा का लग रहा है, मुझे जिस तरह की राइफल्स यहाँ रखी हुई है मुझे डराने के लिए तो नहीं, नहीं 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 बिल्कुल। शिकार का शौक जो है पहले तो था मुझे, हाँ। लेकिन अब मेरे बेटे को है। अच्छा, और वो करता है शिकार। जबरदस्त। नहीं वरना आप कहते होंगे जरा ब्लाउ ट्रांसपोर्ट वालों को, जरा ऑफिस ब्लाउ जरा देखें जरा पता चले उनको है। ये वाली कहानी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑफिस उनके लिए नहीं है, ये पर्सनल ऑफिस है। ये जो है सर मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कोई इनके साथ कोई आपकी अपनी यादें जुड़ी हुई है, कहते हैं अब्बू की हो दादा की हो। जी हाँ, उनमें से जो मोस्टली हमारी फैमिली की वो गांव में है। गांव में कुछ हैं, एक दो यहाँ पे, मोस्टली अब की ये जो है सारी अभी ये शिकार के हैं हथियार, हाँ, जो भी है, कोई भी इसमें असॉल्ट वेपन नहीं है। बिल्कुल, मैंने देखा ये सब वही है जो हंटिंग के उसमें आते हैं। वैसे ज्यादातर शिकार किसका आपको पर्सनली किसका पसंद है? जो भी यहाँ पे अलाउ है ऑफिशियली तौर पर, पार्ट्रिजेस का सीजन आता है या साइबेरियन बर्ड्स की एक इजाजत मिलती है या फिर ट्रॉफी हंटिंग के लिए भी टैग दिए जाते हैं वो करते हैं। करते हैं जी जी। हाँ जी, हमारा सफर जो है वो अब शुरू हो चुका है और हम जा रहे हैं ब्लावल हाउस। और तब तक मैंने सोचा कि सर आपके पास लेबर मिनिस्ट्री भी है जी, तो लेबर्स के भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आए दिन आते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। अभी तक हमारी बल्दिया टाउन वाला मसला ही नहीं हल होके दे रहा। देखिए कितना बंदा मर के जल के भस्म, बहुत बड़ा सानिया था। और अभी आपने देखा हो कुछ लीडर साहिबान कह रहे हैं जी वो शॉर्ट सर्किट था सर, कैसे उसका तो मुजरिम भी पकड़ा गया, मुंह से भी बोल रहा है। आपने देखा ना अभी कुछ ऐसा पहले ये आया था कि जी वो तो एक हादसा था, सानिया नहीं था। तो मैं उसी पे कहता हूँ कि वो बोरी बंद लाशें भी हादसा था, हादसा था। ड्रिल वाली जो लाशें मिलती थी वो भी हादसा था, जो पत्था लिया जाता था यहाँ पे वो भी हादसा है। ये इस तरह की वो बिल्कुल देखें, अब उसमें वो जो भी उसमें इन्वॉल्व है इंशाल्लाह वो कैफर किरदार तक पहुँचेगा, उसको सख्त सजाएं मिलेंगी। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ही ये बाहर से लोग पकड़ के लाए जो है, और अभी वो केस भी चल रहा है। लेकिन वो जो उनके थे बुरसाने से बुरसा, उनको जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या दीगर फेडरल गवर्नमेंट से भी जी जी। वो कंपनसेशन जो था वो मिल गया मिल गया। लेकिन अभी भी उनकी एक दो और अनाउंसमेंट्स थी जिन पर अमल नहीं हो सका। एक था नौकरियों का और एक था उनको प्लॉट लेने का। प्लॉट इसलिए नहीं दिए जा सके कि सुप्रीम कोर्ट का बैन है कि आप ये प्लॉट्स वगैरह नहीं दे सकते। नौकरियों पर भी है कि जब वो इंटरव्यूज होंगे तो मेरिट पे आएंगे, तो मेरी उनसे बात हुई है। वो सादिया आपा है जो सईदा आपा जो उनको हेड करती हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई है और मैं उनके इवेंट्स में भी गया हूँ। फिर एक और ग्रांट आई हुई है कोई 50 करोड़ से कुछ ज्यादा ILO की तरफ से। अच्छा, इंटरनेशनल जो वो है एक उनकी तरफ से, उनका अब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का इशू आ रहा है, उनके इंडिकेटर्स कुछ और होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आ रहा है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का? नहीं 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 नहीं, उनका ये है कि वो कुछ जो उनके पैरामीटर्स हैं यूरोपियन उनके वो कुछ और हैं, हमारे यहाँ जो ये वो कुछ और है, वो कुछ और उनके तकाजे और हैं। चाइल्ड लेबर पे भी काम करते होंगे आप लोग? हमारे मुल्क में चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा है। अगर आप नॉर्मली घरों में भी देखें जो बच्चियाँ काम कर रही हैं, मतलब गाँव से लाते हैं उनको आके घरों में, छोटी छोटी बच्चियां मैंने देखी हैं कामों पे लगा देते हैं और वो साल का उनका जो है वो पैसा लेके चले जाते हैं और साल भर पूछना ही नहीं है। तो क्या इनके ऊपर भी कोई काम हो रहा है? या अगर हम वैसे भी बोर्ड में से नहीं निकल जाएं तो आपको थोड़ी देर में 5, 6, 10, 12 बच्चे नजर आ जाएंगे गाड़ी के इर्द गिर्द जो आके आपसे पूछेंगे हाँ बाजी क्या ला के दूँ, बाजी रो ला के दूँ, बाजी ये ला के दूँ। तो इन चीज़ों पर भी काम हो रहा है कोई हमारा? देखें चाहे
सिंध असेंबली पहली असेंबली है जिसने चाइल्ड लेबर लॉ पास की, और हमने फिर उसका स्टार्ट किया है काम इस तरह से कि कुछ एक दो डिस्ट्रिक्ट्स को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर कि पहले उसमें बिल्कुल अमल कराया जाए, फिर उसी को दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी उसका इम्पेक्ट आए। तो ये हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें कवानीन बना दिए गए हैं कि जिसमें मुख्तलिफ कवानीन, एक है इन बच्चों से इस तरह का काम लेना जो खतरनाक हो, उसकी सजाएं भी ज्यादा हैं और उसके फाइन्स भी ज्यादा हैं, और दीगर जो आम वाली जो जी बहुत एग्जैक्टली इस पे अमल हो रहा है। और अभी 2018 में आप देखिएगा कि यहाँ बहुत बड़ा आपको चेंज नजर आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे। जी जनाब, अब यहाँ मैं अपनी गुफ्तगू को रोकूंगी क्योंकि अब सर ने जाना है ब्लावल हाउस, फिर हम इनको तंग करेंगे, लेकिन हमारी ये गुफ्तगू चलती रहेगी। लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। इससे ज़्यादा मसरूफ मिनिस्टर नहीं देखा मैंने बड़े इंटरव्यू के जो मैंने आज आपका हाल देखा। क्या बाकी के मिनिस्टर सो रहे हैं? जरूरी है कि एक मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि वो फोकस कर सके। बिल्कुल फोकस कर सके। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, और यकीनन शाह साहब भी ब्लावल हाउस से होकर अब हम इनके ऑफिस में मौजूद हैं, इनके सेक्रेटरीट में हैं यहाँ मौजूद। तो जैसे जैसे फारिग होते जाएंगे वैसे वैसे मैं बीच में सवालात करती जाऊँगी, आप बेफिक्र हैं। मुस्लिम लीग का सदर भी कोहिस्तानी, पीटीआई का भी माइनॉरिटी का सदर कोहिस्तानी। आपने बोल दिया कोहिस्तानी काम करने वाले बंदे हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं ना, इसीलिए तो जो आपके पास क्या है कि शहीद मोहतरमा शहीद हो गई ना, तो वो हम कोहिस्तानी को इतना पसंद करती थी सर, इसलिए कमिटमेंट वाले बंदे हैं। कोई भी यहाँ पे हमारे पास कमिटमेंट वाले बंदे बहुत कम है, जिस पार्टी में आ गया वो बस हाँ बैठेंगे और उसके साथ ऑनेस्ट रहे, है ना। लेकिन ये देखें, एक गांव है ना, कजन सारी पार्टी अच्छा आपस में कजन हैं कजन है, और ये सारे चारों पांचों पार्टियों के सदर हैं। वाह वाह वाह, जबरदस्त 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 बात है ये। तो सर क्या आपकी भी फैमिली में कभी ऐसा हुआ कि मतलब और आपके कजन वगैरह सब साथ ही, हम हाजी साहब हमारे बड़े हैं बस साथ, सब एक ही पार्टी में, आप लोगों ने नहीं सोचा कोई इधर उधर शाखे वाखे निकालने? बिल्कुल, उसमें हर किसी का अपना राय वो होता है, राय है, किसी को पाबंद नहीं कर सकते, पाबंद नहीं कर कोई सकते। भी किसी पार्टी में जा सकता है, उसको अपना पीपल्स पार्टी और हम लोगों की सोच यही है ना, हर किसी को अपना हक राय दे इस्तेमाल करने का हक हासिल है। और वैसे भी जहाँ हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो रही सही जमहूरियत में यही एक चीज़ रह गई है कि जी आप एक ही घर में अगर देखें, तो मेरे पिछला शो मैंने किया था जुबैर साहब के साथ जो हमारे गवर्नर सिंह हैं, तो वो नून लीग से हैं, उनका ताल्लुक उन्हीं के भाई जो हैं वो पीटीआई के हैं और बड़े सरगर्म वो हैं। तो ये एक चीज़ है, तो मैंने उनसे यही पूछी थी कि जब आप सब भी दो सहबाब या घर वाले जब बैठते हैं तो कभी कोई गुफ्तगू होती है, सियासी वाली गुफ्तगू या कभी फैमिली वाली गुफ्तगू भी चलती है? फिर वो गुरेज किया जाता है सियासी गुफ्तगू से, सियासी गुफ्तगू से। फैमिली गुफ्तगू ज्यादा बेहतर है, वो अगर सियासी गुफ्तगू करेंगे तो बदमजगी हो जाती है। एक एमपीए साहब हमारे साथ हैं, एक मिनिस्टर साहब हमारे साथ हैं, मजा आ रहा है मुझे गाड़ी में बैठ के, इस वक्त मैं अपने आपको राजा इंद्रल समझ रही हूँ, आप ये सोचे। तो जनाब हम जा रहे हैं मुर्तजा साहब के पास जो कि कच्ची आबादी के मिनिस्टर हैं, आप भी उन्हें हमें उन्होंने शाह जी को लंच पे बुलाया, तो इस बहाने हमने सोचा हम भी साथ के साथ क्यों ना उंगलियाँ डुबो के खा लें, है ना जी। तो कुछ बातें शाह साहब से दोबारा स्टार्ट करेंगे। शाह साहब अगेन मैं वापस आऊँगी कि अच्छा मैंने बात आपकी दो मिनिस्ट्रीज पे की, तीसरी पे बात नहीं, अब तक इन्फॉर्मेशन पे बात नहीं हो पाई। इन्फॉर्मेशन के हवाले से बात करूँगी कि सहाफ़ियों के लिए सहाफत के हवाले से किस तरह की पॉलिसीज लेकर आ रही है पीपल्स पार्टी? देखिए सहाफ़ियों के बहुत सारे इशूज़ होते हैं और उनकी फैमिली भी होती है। बिल्कुल, अभी हम लोग
ایک تو میں نے جیسے یہ پورٹ فولیو مجھے ملا تو اسی دن سے میں نے کہہ دیا کہ آپ ان کا شروع کرا دیں ہیلتھ کارڈ جو ہے, بالکل, یا انشورنس ہو یا ہیلتھ کارڈ ہو ان کا, پھر ان کے فیملی ممبرس کا, کیونکہ ان کی تو زندگیاں بھی بڑی آپ سوچیں نا ہاتھ پہ لے کے گھوم رہے ہیں اس وقت. جی بالکل, اس کے لیے ہماری میٹنگس ہوئی ہیں اور میں نے سیکٹری کو اس کے اوپر انچارج کیا ہوا ہے. مختلف پریس کلب کے جو صدور ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے مختلف جو انشورنس کمپنی ہیں ان سے بات کی ہے, دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے زیادہ فیزیبل ہو, پیکیج اچھا ہو تو وہاں سے کرائیں. پہلے فیز میں جتنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی پریس کلب کے ساتھ ممبرز ہیں ان کو کروا رہے ہیں, اس کے بعد پھر اس پورا دائرہ کار بڑھایا جائے گا. اس سے زیادہ مصروف منسٹر نہیں دیکھا میں نے بڑے انٹرویو کے جو میں نے آج آپ کا حال دیکھا. کیا باقی کے منسٹر سو رہے ہیں, ان کے درمیان یہ ان کو یہ سارے کام نہیں بانٹے جا سکتے جو آپ کو تین تین منسٹریوں کا لوڈ ڈال دیا گیا ہے؟ ویسے یہ ویری پرسنل, بٹ کیونکہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور میرا یہ سوال کرنا بنتا ہے. جی بالکل, دیکھیں اصل ایشو یہ ہے, ایک تو ہمارے سب منسٹرز کام کر رہے ہیں اور بلکہ ہم لوگ جواب دے ہیں اپنے چیئرمین کو, اور چیئرمین صاحب نے سب کو ایک لائن آف ایکشن دیا ہے. ایک تو سب لوگوں سے ملنے کا, کہ یہ شکایت نہ آئے کہ آپ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں. ملتے ہیں, مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کا کام ہوتا ہے کسی کا کام نہیں ہوتا, لیکن سب سے ملنا ہے ہمیں. اور اس لیے 24/7 ہم لوگ, گھر بھی ہمارا آفس ہوتا ہے, آفس تو ویسے ہی آفس ہے, ہر جگہ سب لوگ کام کر رہے ہیں. آپ نے بات کی منسٹریز کی کہ دو تین تین منسٹریاں یا دو, اصل ایشو کیا ہوا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ ہوا کہ اس کو بنا دیا گیا کہ ریشو وائز جو ہے نا آپ منسٹرز اٹھائیں گے. ہماری اسمبلی میں جتنے ایم پی ایز ہیں گورنمنٹ کے, ان کے لحاظ سے ہم لوگ 18 منسٹر صرف لے سکتے ہیں کیبنٹ میں, چیف منسٹر انکلوڈنگ چیف منسٹر. تو اب ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ 30 سے بھی زیادہ ہیں جو مین ڈپارٹمنٹ ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ پھر یہ تھا کہ ایڈوائزر رکھ دیے گئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میرے پاس ڈپارٹمنٹ ہیں لیبر, اس کے ایڈوائزر سعید غنی صاحب تھے, بڑا اچھا کام کر رہے تھے. انفارمیشن میں مولا بخش چانڈیو صاحب, بڑے ہمارے سینئر اور بہت زبردست انہوں نے کام کیا. اسی طرح اور ایڈوائزر لا میں مرتضیٰ وہاب صاحب تھے, بیرسٹر, بڑا انہوں نے کام, لیکن وہ کوئی کورٹ میں چلا گیا اور بھی کورٹ سے یہ احکامات آ گئے کہ جی آپ ان سب کو فارغ کریں. اسی طرح دیگر محکمے چیف منسٹر صاحب کے پاس بھی ہیں, ہمارے کچھ اور منسٹر صاحبان کے پاس بھی دو محکمے یا تین ہیں, وہ صرف اس لیے کہ کام کو تھوڑا سا بانٹا جائے. اگر ہمیں اجازت ہو مزید منسٹر رکھنے کی تو اور رکھے جا سکتے ہیں. اور میں ویسے آپ کو عرض کروں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک منسٹر کو ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تاکہ فوکس کر سکے, بالکل فوکس کر سکے. اب اگر میرے پاس تین ہیں تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ٹائم بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے, اگر کام نہیں کرنا تو پھر تو بیٹھے رہے, 10 منسٹریاں بھی ہوں تو کچھ بھی نہیں کام کرنا ہے. تو ابھی فیملی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, ویسے باہر پرسنل لائف نہیں ہے آپ کی کوئی بھی. بالکل, تو جناب اب یہاں سے چلتے ہیں, مرتضیٰ بلوچ صاحب ہمارے انتظار کر رہے ہیں, چلتے ان سے ملتے ہیں اور مزید گفتگو اندر کرتے ہیں. مرتضیٰ بلوچ صاحب کے اس وقت آفس میں موجود ہیں جہاں ہم آئے تو لنچ کرنے کے لیے, لیکن ماشاءاللہ یہاں مجھے لگ رہا ہے لنچ نہیں شادی کا کھانا کھانے آئے ہیں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں. منسٹری ان کے پاس کچی آبادی کی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن اتنا مجھے اچھا لگا کہ جب موقع ملتا ہے تو سب ایک جگہ اکٹھے کہیں نہ کہیں موقع ڈھونڈ لیتے ہیں جمع ہونے کا. تو سر تھینک یو سو مچ, ہم بن بلائے مہمان تو نہیں بن بیٹھے آپ کے پاس کہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے, یہ ہمارے لیے ایک تو عزت بھی ہماری ہے اور ہمارا حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے, اور یہ پبلک بھی آپ دیکھ رہی ہیں, یہ ڈیلی ان کا ہوتا ہے. جی میں تو یہ ماشاء اللہ سے سائنس شاہ صاحب کے گھر سے دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں. میں تو شاہ صاحب کے گھر میں ایک کچہری لگی تھی, میں تو ڈر گئی, میں کہ یا اللہ یہ کیا ہے یہاں آ کے. میں سر جو میرا ایک سوال تھا جو میں ایگزیکٹلی کرنا چاہ رہی تھی, کیا ہماری لیبر کی جو دہاڑی والے جو لیبر ہیں اس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اس کی دہاڑی بڑھائی جائے؟ دیکھیں ابھی 20-25 روپے والی دہاڑی جو ہے نا وہ کسی کی بھی نہیں ہے الحمدللہ. اب لوگوں کو
इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि अच्छा अर्न करते हैं। ये ज़रूर है कि मौके ज़्यादा होने चाहिए, ये जितने डेवलपमेंट के काम होते हैं, दीगर चीज़ें हैं, ये इसीलिए होती हैं कि लोगों को एक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिकली वो बढ़ते हैं। तो अभी बहुत सारे जो तरक्याती काम होते हैं, दीगर ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं, तो उसमें ये बड़ी बेहतरी आती है। बल्कि चेयरमैन साहब ने तो अभी कहा है कि एक तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जाए और इकोनॉमिक जोन जैसे सीपैक में हमारा ढाबे जी, कुछ और इकोनॉमिक जोन्स आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सिख इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनका रिवाइवल कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो चलें तो लोगों को रोज़गार मिले। सही। तो जैसे मुर्जा बीमार हो गई है ना इंडस्ट्री, उनको इलाज करना पड़ेगा। नहीं, उनको चलाने के लिए हम सपोर्ट करेंगे उनके मालकान को, सिर्फ इस वजह से कि गरीब लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिले और वो अपना घर उनका चल सके। कुछ चीज़ें मैं, क्योंकि मैं जर्मनी में मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ होते हैं, तो जो मेन चीज़ मैंने देखी, क्योंकि वहाँ उनका काम जो है वो लेदर का भी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान में उनकी फैक्ट्रीज थी, पाकिस्तान में उनकी मिल्स थी जहाँ बनता था। पाकिस्तान के हालात की वजह से वो सारा ताइवान चला गया, वो सारा जो बिजनेस था हमारा वो उनके दूसरे मुल्कों में, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, वहाँ उन्होंने अपनी वो लगाए, ना कि वो पाकिस्तान में से उठा के। जबकि पाकिस्तान का वर्कर इस वक्त दुनिया का बेस्ट वर्कर है, उसके हाथ में जो फिनिशिंग है वो कहीं नहीं है। लेकिन ये एक हमारी बदनसीबी है कि हमारे मुल्क में ये इन हालात, लेकिन अब क्योंकि हालात बेहतर हो तो आपको लगता है कि वो लोग वापस आएंगे दोबारा? जी बिल्कुल, वो बल्कि इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो उनका नंबर बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, जब से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई है, पॉलिसीज बेहतर हुई हैं, तो उनमें बहुत इजाफा हुआ है और उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब भी काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पर लग रही हैं, और जब से हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौके आए हैं, जिस जैसे थर कोल का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे और बहुत से इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे काम हो रहा है। फिर जैसे अभी कच्ची आबादी हैं, हम मिनिस्टर कच्ची आबादी के पास बैठे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है, जो जो इनके एरिया हैं, बहुत बड़ा एरिया है पूरी सिंध में, ख़ासतौर पर कराची या जो हमारे बड़े शहर हैं जहाँ पर ये इस तरह की है कच्ची आबादी, तो वो भी इन्होंने प्लानिंग की है चेयरमैन साहब के अहकाम पर कि वहाँ पे मालकाना हुकूक, और फिर वहाँ पे उन कॉलोनीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे मैं आप सुबह बात कर रही थी हाइड्रेंट की, पानी की, तो वो इस वजह से ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल। तो अब यहीं यही कोशिश हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त प्लान बनाया है मुर्जा बलोच साहब ने कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जाएगा जहाँ पर नहीं है, जहाँ है उसको अपग्रेड किया जाएगा ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले और इनको मालकाना हुकूक मिले। दुआ हमारी ये कि हमारा मुल्क जो है वो सवरे, हमारा मुल्क अच्छे हाथों में आए, हमारा मुल्क यूथ के हाथों में आए, जैसे कि चेयरमैन साहब हमारे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक नई सोच है। जब देखें यूथ आती है तो उसके पास सोच भी नहीं होती, उसके बाद बात भी बड़ी नहीं होती है, और वो जो दुनिया देख कर आता है वो अपने मुल्क को बदलना ज़रूर चाहता है। मैं और आप भी जिस तरह जाते हैं, तो मेरा ख्याल है बातें बहुत हो गई, हम चलें। ये देखें, ये आज मैंने ज़रूर सर, मैं आज सुबह ही ये बता रही थी कि मेरे पास अच्छी खासी अजरक जमा हुई है, लेकिन ये मेरी इज्जत आपकी वजह से हमें भी मिल रहे हैं, देख ले सर। देखिए, जब मर्द होंगे ना वहाँ ऐसे ही काम होगा, जब ख्वातीन होती है सलीके से काम आपने छोड़ा है, वहाँ पे खाया नहीं। जो मैं शाह जी के घर मिस कर आई हूँ वो है मेरा ब्रेकफास्ट सर। लेकिन मैं आपको बता दूँ नाजरीन, और यहाँ मैं ऑन ईयर भाभी आपसे माजरा चाहती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट आपका मिस कर आई हूँ। शाह साहब थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए नाश्ता बनवाया था जो कि मैं अपनी जल्दबाजी में उसको मिस कराई, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी के दिन अभी और बहुत सारे, और जहाँ इनके पास 3 मिनिस्ट्री है, मैंने अभी और बड़ी सारी बातें जो रह गई हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ मुझे आपको कहना है जनाब, हम लोग खाने लगे हैं खाना, आप लोग भी एक काम करें, जाए चाय शाय पिए, मज़े करें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, और ज़िंदगी में किसी के गन घोलने से बहुत बेहतर है हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर गुजारें। आप यकीन माने ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरती है। सर, जाने से पहले अगर कुछ आखिरी लम्हात में आप कहना चाहें, जो कि खाने के वक्त कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कुछ ही नहीं कहना चाहिए, खाना खाना चाहिए, खाना खाएं, चाय ना पिए। चले जी जनाब, लेते हैं आपसे यहाँ इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नए मेहमान, नई गुफ्तगू, नए सवालात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।